नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल टेक वाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के जन सुनवाई पोर्टल के द्वारा आप अपनी कोई भी कंप्लेंट ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर अवैध रूप से आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहा है और आपके थाने की पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, तो दोस्तों आप जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, जन सुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन होकर काम करता है और आप किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत यहां पर कर सकते हैं, फिर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय का हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का हो या फिर PW का हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो या फिर शिक्षा डिपार्टमेंट का हो या फिर आपके ग्राम सभा या खंड विकास अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला हो, आप उसकी शिकायत जन सुनवाई ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट पर कुछ समय तक कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी प्रतिक्रिया भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आपकी कंप्लेंट पर जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ये आप सरकार को बता सकते हैं। तो दोस्तों, जन सुनवाई पोर्टल पर कंप्लेंट करने का प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और ये जन सुनवाई ऐप इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये वाली ऐप है जन सुनवाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ ऊपर में आपको अपना नाम भर लेना है। सेकंड नंबर में आपको अपने पिता या पति का नाम भर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है और यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेना है। इसके बाद नीचे आपको साइन अप करें लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। पहले मैं ये डिटेल भर लेता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, आप इंग्लिश में चाहते हैं या हिंदी में, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में आपको कंप्लेंट रजिस्टर करने का ऑप्शन दिख जाएगा। सेकंड नंबर में यहाँ पर आपको कंप्लेंट ट्रैक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रिमाइंडर लगाने का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पर आपको फीडबैक देने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप ऐप के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं और यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो कोई भी कंप्लेंट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। एक मैसेज आएगा, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ऊपर में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है कंप्लेंट का, दूसरा है डिमांड यानी कि मांग का, यानी आपकी कोई मांग है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्रुप ग्रीवेंस का, ये वाला, तो अगर आप सामूहिक कंप्लेंट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी टिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो मेल फीमेल अदर आप जो हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और सेकंड नंबर में भी आप चाहें तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी और अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना आधार नंबर भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको राइट में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आपको दोस्तों डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है पहले कि आपको कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट में करनी है, तो किस किस डिपार्टमेंट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आबकारी विभाग, आयुष विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, उच्च शिक्षा विभाग, उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, खादी एवं ग्रामोद्योग, खाद्य एवं रसद विभाग यानी कि राशन डिपार्टमेंट, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, खेलकूद विभाग, गृह एवं गोपन यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, ग्राम विकास विभाग, चिकित्सा और शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दुग्ध विभाग,
धर्मार्थ कार्य, नगर विकास तथा रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नमामि गंगे तथा जल आपूर्ति विभाग, नागरिक उड्डयन, प्रतिभूमि विकास, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुधन विभाग, पिछला वर्ग कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, मत्स्य विभाग, महिला कल्याण, माध्यमिक शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग, राजस्व एवं आपदा विभाग, राज्य कर विभाग, रेशम विभाग, लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई जल संसाधन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, संस्कृति विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग या फिर होमगार्ड डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं, अगर उनसे जुड़ी हुई कोई भी कंप्लेंट आपकी है तो आप यहाँ से उस विभाग में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको अपना विभाग सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करनी है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपके गांव से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो आपको यहाँ पर ग्राम विकास विभाग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आपको किस कैटेगरी में कंप्लेंट करनी है। तो कौन कौन सी कैटेगरी है ग्राम विकास विभाग में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहला है UPSRLM, समूह सदस्यों का अन्य कार्यों में नियोजन, ये वाला। दूसरा है मनरेगा कार्य की गुणवत्ता की शिकायत। अगर आपके क्षेत्र में मनरेगा में कोई काम हो रहा है और उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी है, यानी कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो आप यहां से मनरेगा कार्य में गुणवत्ता की शिकायत, ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मरम्मत की मांग अगर आपको करनी है या कोई शिकायत है, अगर निर्माण हो रहा है सड़क का, उसकी गुणवत्ता में कमी है, तो आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अवैध धनराशि की मांग। अगर आपको लगता है कि आवास योजना में कोई अवैध धनराशि जा रही है, तो आप यहां से सिलेक्ट करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद है UPSRLM, समूहों को वित्तीय सहायता प्राप्त न होने की शिकायत, उसके लिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद है UPSRLM, समूहों को मेले में प्रतिभागिता के संबंध में, यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है मनरेगा में मजदूरी की शिकायत। अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आपको मनरेगा में मजदूरी की शिकायत, ये वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर DRDA संबंधी कोई शिकायत है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना के पात्रता व अपात्रता के संबंध में, यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अपात्र व्यक्ति को आवास आवंटन। अगर आपके गांव में आपको लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को आवास आवंटित किया गया है जो उसका पात्र नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए, तो आप उसकी भी शिकायत यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है मनरेगा में कार्य की मांग। अगर आपको मनरेगा में काम करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल। अगर कोई फर्जी काम हो रहा है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। विधायक निधि या सांसद निधि से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई समस्या है, तो आपको यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है UPSRLM, टेंडर संबंधी कोई शिकायत है, तो आपको यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है UPSRLM, BC सखी के चयन प्रशिक्षण के संबंध में अगर आपकी कोई शिकायत है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अन्य कोई प्रकरण है, तो आपको यहाँ से अन्य प्रकरण सेलेक्ट कर लेना है। आपके गांव में अगर तालाब है और उसकी खुदाई या सफाई करवाने की आवश्यकता है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्राम के तालाब की खुदाई अथवा सफाई। अगर आपके क्षेत्र में कोई काम हो रहा है और उसमें घटिया निर्माण या गुणवत्ता की कमी है या विलम्ब से हो रहा है, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। मनरेगा में जॉब कार्ड संबंधी अगर आपकी कोई शिकायत है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में आवास की मांग करनी है, उसके संबंध में कोई आपकी कंप्लेंट है, अगर आप आवास योजना के पात्र हैं और आपको आवास नहीं मिल रहा है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीन सड़क की मांग करनी है, आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई नई सड़क बननी चाहिए, तो इससे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई कंप्लेंट है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और ये लास्ट वाला है विभागीय वेबसाइट एप्लीकेशन के संचालन के संबंध में। अगर आपकी इस ऐप से जुड़ी हुई कोई समस्या है या कोई कंप्लेंट है, तो आपको ये लास्ट वाली सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो मुझे कोई कंप्लेंट करनी नहीं है, मैं केवल बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि कैसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ओल्ड रेफरेंस नंबर इफ एनी, यानी कि अगर आपने कोई कंप्लेंट पहले कर रखी है और उसका कंप्लेंट नंबर आपके पास है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से टिक कर लेना है, और इसको टिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर कंप्लेंट नंबर भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कंप्लेंट नंबर है, तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा, अगर आपने पहले कंप्लेंट की है तो, अगर नहीं की है तो इसको भरने की जरूरत नहीं है, इसको टिक मत कीजिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है
डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, नोट काइंडली राइट कंप्लीट डिटेल ऑफ योर कंप्लेंट, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक प्रॉपर एक्शन। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपको अपनी कंप्लेंट जो है वो पूरी डिटेल में लिखनी है ताकि इनको एक्शन लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी पूरी कंप्लेंट लिख लेना है, जो भी कंप्लेंट है आपको प्रॉपर तरीके से पूरी कंप्लेंट लिखना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी भर लेता हूँ एक बार। कंप्लेंट लिखने के बाद यहाँ पर आपको नीचे राइट में नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे आ जाएंगे। ये देखिए, अमरोहा, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इटावा, उन्नाव, एटा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कासगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, खीरी, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, चंदौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, झांसी, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, बिजनौर, बुलंदशहर, भदोही, मऊ, मथुरा, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, रायबरेली, लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, शामली, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, संभल, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुर। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, जो तहसील है आपकी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी तहसील होंगी वो आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो जितना भी पुलिस स्टेशन होगा आपके एरिया में वो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ब्लॉक है आपका। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, जो ग्राम पंचायत है आपकी। और इसके बाद लास्ट वाले पे, इस पे क्लिक करके आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है, विलेज। इसके बाद यहाँ पर है आवेदनकर्ता का पता, यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज अबव। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अभी आपने जो भरा ऊपर, जो डिटेल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, भिखाना के, वो सब यहाँ पर अपने आप आ जाएगा अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो। अगर सेम है तो इस पे सेम एज अबव पर क्लिक कर देना है, अगर कुछ अलग है तो आप यहाँ पर भर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ राइट में नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैसेज आपको दिख जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट अपलोड एनी आधार कार्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन जन सुनवाई पोर्टल, यानी आपको यहाँ पर आधार कार्ड या कोई और आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड नहीं करना है। इफ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम मोबाइल देन सेव कंप्लेंट, अदरवाइज सेव कंप्लेंट विदाउट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आप अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपने मोबाइल या अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं अटैच करना है, आपको ऐसे ही कंप्लेंट लगानी है बिना डॉक्यूमेंट के, तो आपको खाली छोड़ के सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देना है। पहला वाला यहाँ कैमरे का ऑप्शन है, अगर आप कोई फोटो खींच के अटैच करना चाहते हैं तो कैमरे से आप फोटो खींच के अटैच कर सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कोई फोटो पड़ी हुई है, आप उसे अटैच करना चाहते हैं तो गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने गैलरी में से फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तीसरा वाला है पीडीएफ का, अगर आपने कोई पीडीएफ बना रखी है किसी डॉक्यूमेंट की, उसे आप अटैच करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पीडीएफ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अटैच कर देना है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ से सेव कर देना है। सेव करते ही ये कंप्लेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई वैलिड कंप्लेंट है तो ही कंप्लेंट कीजिएगा, अनायास में कंप्लेंट मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो जो भी कंप्लेंट आप करेंगे, कंप्लेंट वैलिड होनी चाहिए, ठीक है ना। अनायास में किसी को परेशान करने के लिए कंप्लेंट नहीं करनी है। तो मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है तो मैं इसको यहाँ से बैक कर लेता हूँ। अब अगर आपने कोई कंप्लेंट पहले कर रखी है और आपको उसका स्टेटस चेक करना है तो क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ट्रैक ग्राइवेंस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट कौन सी थी आपको वो सेलेक्ट कर लेना। अगर ये पहले वाला ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करके करेंगे और इसी आईडी से आपने कंप्लेंट की थी तो आपको कुछ भरना नहीं है। ट्रैक कंप्लेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेंट जो है वो ट्रैक हो जाएगी और उसकी डिटेल जो है वो नीचे आपको दिख जाएगी। अगर पहले आपने कोई कंप्लेंट की थी, आपके पास कोई कंप्लेंट नंबर है, तो आपको ये लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से और भी डिपार्टमेंट है, अगर इनमें से कोई है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये आर्थिक मदद कंप्लेंट है, सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट है, डिप्टी सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट है, महिला हेल्प डेस्क से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक कंप्लेंट पहले की थी, मैं उसे ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लास्ट वाला सेलेक्ट करता हूँ, ट्रैक अदर मोबाइल नंबर कंप्लेंट। इसके बाद यहाँ पर ट्रैक कंप्लेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पहला है ट्रैक यूजिंग मोबाइल नंबर,
दूसरा है ट्रैक यूजिंग ईमेल आईडी, ठीक है। तो अगर आपको कंप्लेंट नंबर और मोबाइल नंबर भर के कंप्लेंट ट्रैक करनी है तो आप पहला वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कंप्लेंट नंबर और ईमेल आईडी भर के ट्रैक करना है तो आपको ये सेकंड वाला चूज कर लेना है, ठीक है। कंप्लेंट नंबर आपको दोनों ही केस में भरना पड़ेगा, आप जो भी सिलेक्ट करने के, तो मैं पहले वाले पे ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लेंट नंबर भरना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। इसके बाद नीचे व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। तो मैं भर लेता हूँ। ये देखिए, ये कंप्लेंट मैंने पहले की थी, फिलहाल ये सेटल हो चुकी है। यहाँ पर कंप्लेंट स्टेटस में आपको दिख जाएगा, ये रहा, इसमें निस्तारित लिखा हुआ है, यानी कि ये सेटल हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पर व्यू मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्लेंट में आपने क्या लिखा हुआ था वो आपको दिख जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ था कंप्लेंट में वो आपको दिख जाएगा। और अगर आपको इसका आख्या देखना है तो ये नीचे ग्रीन कलर में आपको व्यू आख्या डिटेल लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपको आख्या की डिटेल दिख जाएगी, संदर्भ का प्रकार यहाँ पर आंतरित, आदेश देने वाले अधिकारी, यहाँ पे ऑनलाइन संदर्भ लिखा हुआ है, आदेश का दिनांक 2/5/2022, अधिकारी को प्रेषित किसको, यानी कि इन्होंने ये कंप्लेंट किसको भेजा था, तो इन्होंने ये भेजा था खंड विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग, ठीक है। फिलहाल ये जो है इन्होंने सेटल कर दिया है, इस पे निस्तारित लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आख्या देखे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बना के आगे भेजा था वो भी आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये वाला डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने सीएम ऑफिस को भेजा था, जो भी कंप्लेंट से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। अब अगर आपने पहले कंप्लेंट कर रखी है और आपको उसका रिमाइंडर भेजना है तो वो आप कैसे भेज सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बेल वाला ऑप्शन दिख जाएगा, ये वाला सेंड रिमाइंडर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंप्लेंट नंबर भर लेना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो उनके पास एक रिमाइंडर चला जाएगा कि ये कंप्लेंट पेंडिंग है, आप इसको देखिए या इस पर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है रिमाइंडर भेज सकते हैं। और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी जो कंप्लेंट हुई थी आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं, तो उसके लिए ये फीडबैक ऑन डिस्पोजल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जो है आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई फीडबैक है तो ये ऊपर सेलेक्ट कर लेना है, और कोई सुझाव है तो यहाँ नीचे से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी कंप्लेंट आईडी भरनी पड़ेगी, यानी कि कंप्लेंट नंबर, जो कंप्लेंट आपने किया था उसका कंप्लेंट नंबर क्या था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, आप इस स्टार के माध्यम से जो है इन्होंने जो आपकी कंप्लेंट सेटल की है उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं वो आप यहाँ से रेट कर सकते हैं, यानी उसकी रेटिंग कर सकते हैं। अगर आप 5 स्टार देते हैं कि मतलब वेरी सेटिस्फाइड, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, 4 और 5 पे, ठीक है। 3 पर सेटिस्फाइड, यानी कि ठीक है। 2 पे अनसेटिस्फाइड, मतलब मेरी कंप्लेंट ठीक से नहीं की गई। और 1 स्टार पे भी वही है, ठीक है। और यहाँ से आप उसका कारण भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक चयन करना पड़ेगा। आवेदक के अनुरोधानुसार निस्तारण नहीं हुआ है, अधूरा निस्तारण, यानी कि आप यहां से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर आपको अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप, तो यहां से लिख के आपको सेव और सुरक्षित कर देना है। नीचे सेव और सुरक्षित वाला ऑप्शन है, इस पर करेंगे तो उनके पास इसका फीडबैक चला जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जन सुनवाई पोर्टल पर जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं और रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। और यहां से आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि उनके द्वारा निस्तारित की गई कंप्लेंट से आप संतुष्ट हैं या नहीं है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, अनर्गल में अनायास में कंप्लेंट नहीं करनी है, कोई भी वैलिड कंप्लेंट आपके पास है तो ही कंप्लेंट करनी है, ठीक है ना। अनायास में किसी को परेशान करने के लिए आप कंप्लेंट मत कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।